वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत जबरदस्ती झटपट बनने वाली और हॉट आइटम बनाएंगे चिकन कड़ी या करी मेरे स्टाइल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा चूल्हा प्रीहीटेड है मीडियम हाई पे और अब हम इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून के आसपास ऑयल। अगर आप चाहें तो आप ज्यादा डाल दें और अगर आप चाहें तो कम डाल दें। चले अब हम इसमें डाल देंगे चिकन ब्रेस्ट। देखिए हमने मीडियम साइज के पीसेस किए हुए हैं और ये आप विद बोन भी बना सकते हैं और विदाउट भी। 2 पाउंड 1 किलो के आसपास है ये चला गया हमारा। ये हमारी यहाँ की एक हॉट आइटम है, हमारी फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली साला साल से बन रही है और जब भी बनाई गई है हिट गई है। चले अब हम इसमें डाल देंगे 2 बादियान और 6 छोटी इलायचियां ये चली गई और इसी में अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट मतलब अदरक और लहसुन का पेस्ट 1-1 टेबलस्पून ये चला गया। इसी में अब हम डालेंगे 1/2 कप तली हुई प्याज। अगर आपके पास तली हुई नहीं है तो आपने जो चिकन डाली ना उससे पहले प्याज लाल कर लीजिएगा और सेम प्रोसेस रखिएगा। तो ये चली गई। बस हमें जब तक ही फ्राई करना है इसको, जब तक ये चिकन एनी मोर पिंक नहीं रहती। देखें ये अब ऑलमोस्ट सब वाइट हो गई है। तो अब हम अपने इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि कुछ यूं हैं कि 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। सब चला गया। बस इसको हम 1 मिनट ही मसालों में भूनेंगे फिर हम मूव ऑन होंगे अपने और मसालों की तरफ। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते जो कि चिकन कड़ी की जान है, उसका जो फ्लेवर आता है ना तो चिकन कड़ी को एक्सोटिक बना देता है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं हो तो आप ड्राई डाल दें और अगर ड्राई भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम बना सकते हैं। और भी इंग्रेडिएंट इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये डालेंगे तो मज़ेदार बहुत लगेगा। तो चले अभी हम थोड़े से डाल देते हैं। ये देखें हमारे गार्डन से फ्रेश आए हैं। इस वक्त हम ये इतना डाल देते हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। बस चेक कर लीजिएगा कि ज़्यादा खट्टा ना हो, नॉर्मल दही हो। तो 1/2 कप दही चला गया। दही को पहले थोड़ा सा यूं कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसी में और फिर अच्छे से चिकन के साथ मिला देंगे। बस इसे हम 1-2 मिनट दही के साथ अच्छे से भूनेंगे फिर और चीजें डालेंगे। चले अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी। ये थोड़ी कंसंट्रेटेड होती है तो अगर आप टोमेटो सपोज डाल रहे हैं तो ग्राइंड करके 3-4 टोमेटो डाल दें। जैसे मैंने कहा ना कि मेरा कंसंट्रेटेड है क्योंकि वो टोमेटो पेस्ट है, प्यूरी नहीं है। तो अगर जैसे प्यूरी आप डाल रहे हैं तो 5-6 चम्मच डाल दें, टमेटोज ग्राइंड करके डाल दें तो 4-5 डाल दें, कोई इतना बिग इशू नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है इसलिए मैंने थोड़ा डाला है। टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा, वैसे ही बनेगा। देखिए चिकन अच्छे से भुनते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गई है
तो अब हम इसमें डालते हैं कुछ और अपने इंग्रेडिएंट, जो कि कुछ यूं है कि ये 1/4 teaspoon इलायची का पाउडर है, बादाम पिसी हुई जो है 3 tablespoon है भर भर के, और 2 tablespoon काजू पिसा हुआ है यानी कैश्यू। तो ये चला गया, और अब हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon पानी, मिक्स कर लेंगे। चले अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 cup पानी, और इसमें अब एक मेन इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है कोकोनट मिल्क। चलिए अब ये सारा कैन चला जाएगा, हमारा 14 ounce का कैन है, ये अब हम सब डाल देंगे इसमें। चल ये सारा के सारा चला गया। अब हम अपने कड़ी पत्ते जो भी बचे थे ना, वो हम डाल देंगे इसमें पूरे के पूरे ही, और खुशबूदार होगा। चले इसको अब हम 15-20 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारी चिकन टेंडर ना हो जाए और हमारा चूल्हा जो है वो मीडियम हाई पे। तो मिलते हैं 15-20 मिनट में, आपकी चिकन की क्वालिटी पे भी डिपेंड है, जब टेंडर होगी, जब खुशबूएं आ जाएगी और कहेगी चिकन आई एम रेडी तब भागेंगे। 18 मिनट हो चुकी है, बड़ी खुशबूएं आ रही है, हम देखते हैं कैसा लग रहा है। वाह देखें, और बस आप चेक कर लें इस पॉइंट पे आपकी चिकन के क्या हालचाल हैं। देखिए हमारी चिकन देखते के साथ ही लग रही है, ये देखिए कितनी टेंडर हो गई है, ये देखें। तो बस इस पॉइंट पर हम इसको चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको कवर करके 2-3 मिनट में चूल्हा बंद कर देंगे, दम पर रख देते हैं। देखिए 2 मिनट हो गई और खुशबूएं कह रही है कि भाई मैं डन हो गया हूँ। तो अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। देखें कैसी खतरनाक खुशबूएं आ रही हैं, कोकोनट की, बादाम की खुलते के साथ, कड़ी पत्तों की। पता है ये जो है, अगर आप चाहें तो इससे शोरबा और भी ढीला रख सकते हैं, क्योंकि पता है कुछ लोग जो है इसको डायरेक्ट सूप की तरह पीते भी हैं, थोड़े से चावल में बहुत सारी कड़ी डाल के खाते भी हैं, और नान में भी बड़े अच्छे लगते हैं, और रोटियों में भी अच्छे लगते हैं, और चावलों में भी अच्छे लगते हैं, रूखा भी अच्छा लगता है। अब बताएं इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। देखा कैसे झटपट खुशबूदार मज़ेदार हमने चिकन कड़ी बना लिया, और इतनी ये हिट आइटम है, जब भी आप बनाएंगे जबरदस्त लगेगी। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। इतना ये कंफर्टिंग है और मज़ेदार है ना, इस तरह से है कि तरी है, मिर्चें बहुत तेज़ है, बस इसमें जो मज़ा है कड़ी पत्तों का, बादियान के फूल का, इलायची का, नारियल के मिल्क का, और ज़ाहिर है बादाम और काजू तो है ही, चेरी ऑन टॉप, लेकिन ये एक इतना अलग सा जायका है और कंफर्टिंग भी बहुत है। नाश्ते में जब बचा हुआ होता है खाते हैं, जब भी बड़ा मज़े का लगता है। और अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा डाइल्यूट बना दें, 1/2 cup पानी थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा पतला भी बना सकते हैं, इससे भी जैसे भी बनाना चाहे बनाए, मज़े करें मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय।
अल्लाह हाफिज़।